देखो अंधेरा अंधेरा से कहा जा रहा है, लाइट कम है ना इसके अंदर, खा रहे हैं। चलो अब लाइट आएगा इसका, खाओ। अब आया लाइट, खाओ। माँ झड़पी झड़पा हो गई, काटने के लिए दौड़े थे, देव खाओ। यहाँ पर करके खाओ, इधर नीचे पड़ा है, अच्छा बता खाओ चुपते। और ले गो क्या, ये पकड़ो, ये नहीं मिलेगा, ये ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, यह गुस्सा कर रहे हैं, लो पकड़ो, लो नाखून ना मारो हाथ में, नहीं दिया एक झापड़ करके, लो खाओ, झपट्टा ना मारा करो, दिया एक झापड़। अच्छा साहब ये हुआ कहाँ, अब दोलारा हुआ ऊपर बैठी है, देखो चले ले, अरे मंथरा है इसका कान, देखो इधर का कान लटक गया, इतना बड़ा घाव था इसके दिमाग में, देखो खाओ, कान इधर वाला, इसका नाम मंथरा हमने रखा था, इसका थोड़ा सा कुंवर निकला हुआ। अब आई है दोलारा, आओ भाई जल्दी आशीर्वाद देव, तमाम लोग जुड़े हैं, रुक्मणी हैं लखनऊ की, और गुरोवर और दिल्ली के गुरोवर परिवार, नागपाल परिवार, उड़ीसा के कोई लोग हैं वो, और आज काफ़ी देर बातचीत हुआ, हमको बड़ा ताज्जुब हुआ। वही हमने देखा कि एक बारगी इतना जल्दी कैसे लोग, तो हमको देखा था जो क्या नाम है बद्री नारायण भद्र, एक घंटे मेरी बातचीत हुई, कहा अब तुम मम्मी को दें या तुमको दें, किसको दें बताओ, किसको दें पहले हैं, इनका नाम है चूरन मल, ये चूरन मल हैं, और ये है वो है, लो तुम ही दे लो, लो दे दो, दे दो खाओ, आओ अब नीचे उतर के आओ, यहाँ जरा घास में, हाँ आओ, इनकी आवाज़ भी अलग है, आओ 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 आओ, यहाँ बैठो आके, आप थोड़ा घास में हम भी तो बैठ लें, आओ आओ आओ, यहाँ पहले कमरख खाओ, हाँ लो खाओ, लो ये कमरख निकालो मनपसंद, हाँ खाओ, ये देखो है ना खूब रसदार कमरख है। ओम एंग सिंह हनमते राम दुताय नमः। गुरुवर परिवार, नागपाल परिवार, दिल्ली की, रुक्मणी लखनऊ की, और भी जो लोग हैं वो सभी लोग, जिन लोगों जो जुड़े हैं, जो हमसे प्रार्थना किए हैं, उन सब तक का ये आशीर्वाद पहुंच जाए। देखो फेंको मत, उठा उठा के अब छाटा जा रहा है, अरे तुम ही कहाँ, जो ऊपर बच्चा ऊपर बैठा है और ये वहाँ जो सीधा वाला है ये यहाँ बैठ गया, हम ये ढोला उठावा, देखो हमने ढेला उठाया, ये भगा वो, आओ अब देखो उसको भगा दिया, अभी आ गया, इसी का बेटा है, आओ खाओ 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 खाओ, अकेले सब छाँट के खाया जा रहा है, जरा जरा काट काट के गिरा रही, रस टपकाया जा रहा है, देखो। ओम एंग ह्रीं हनुमते राम दुताय नमः, ओम एंग ह्रीं हनुमते राम दुताय नमः, ओम एंग ह्रीं हनुमते, इनका बेटा है, ओम एंग ह्रीं हनुमते राम दुताय नमः, ओम एंग ह्रीं हनुमते राम दुताय नमः, यही हनुमान जी की सेवा है। अच्छा लो मंथरा इधर आ गया, देखो छांटेंगे अब, ये देखो ये अच्छा वाला निकाल के ले गया, ले जा देखो जो पड़ा हुआ था वो ले गया, अब थोड़ा मंथरा के दे दई, लो हुआ मिट्टी में कहा मंथरा मर रही, लो उठाओ जल्दी उठा जाके जल्दी से, हाँ अब देखो लेके गई, अब ये खाएगी, ये लोग करते क्या है जरा जरा काट खाएंगे और मतलब उसको फेंका जाएगा, तुम यहाँ बीच में लोढ़ा सिंह तुम कहाँ हो, तुम बीच में कहाँ आयोगा, ओ मैं ग्रीन हनुमते राम दुताय नमः, हथकटी मिल जाए ये मिल जाए, समझिए पूरी हमारा हमारी यात्रा सफल हो गई। अब देखो जरा जरा ये देखो आप पहले फेंका फिर उसी को लेके खाया जा रहा है, ये देखो जब ज्यादा होता तो छाँट के खाएंगे, और ले ले बालाजी ले लाम लाम ले लाम लाम, लो उठा दो उठा उठा उठा, ये देखो ए ए मंथरा की बच्ची उठा के पटका, हम चांद डाले इनके ऊपर दया करो,
छोटे से बच्चे को दौड़ा दिया। वो मैं किसी हिम्मत के राम दुताए नमः, जितने भी लोग मदद करने वाले हैं, हमारे सहयोगी हैं, सबको ये आशीर्वाद जाना चाहिए। ओ मैं घृण हनमते राम देता है नमा, ये लड़का इस मुटल में क्या कर रहा है भाई, वहाँ क्या कर रहा है। ओ मैं घृण हनमते राम देता है नमा, हाँ अच्छा अच्छा टाने लगता, बड़ा मीठा होता है ना रस इसमें, और किसको नहीं मिला। ओ भाई अब शाम को भी और अंधेरा होगा तब आएंगे सब। बीज भंडार में धान सफाई करके धान का बोरा लेके जो तेजी से चले आ रहे हैं वो धान है, गेहूं का बोरा लेके इतनी तेज रफ्तार में आदमी थोड़े चल पाएगा। ओ मैं घृण हनमते राम दुताए नमः, अभी यही धान बीज के लिए यहाँ पर अभी एक 15-20 दिन के बाद लोग ले जाएंगे यहाँ से, या बीज भंडार से लेंगे जाके, ये बीज भंडार है, ये सब सफाई करके सब तैयार करके देते हैं। वो मैं घृण हनमते वही ना डरवाओ, नहीं दिया यहाँ पर, अब तो उसको डरवाया है, उसको हम सबसे ज़्यादा देंगे। रे ए ए मन सुखामी, ये उठा ले रोटी खा ले, हाँ रोटी खा ले, रोटी रोटी खा ले। ये है लहबर स्वामी, लो लहबर स्वामी ये खाओ, ले कहे भागे जा रहे, ये उठा उठा ले जल्दी खाओ लहबर स्वामी। ओ मैं घृण हनमते राम दुताए नमः, ये शकुंतला आ गई हैं, हमको लगता है एक आध हफ्ते के बाद ये बच्चा दे देगी। हाँ शकुंतला, इस समय फल खाने की इच्छा होगा शकुंतला को, ले ले हाँ हाथ में कैच कर, ए शकुंतला ले ए ले, अरे भगी भगी देखो देखो वहाँ पड़ेगा धूल लग जाएगा, ए शकुंतला ये ले, अरे ये उठा दे उठा उठा, पेड़ के खोल कर से निकाल ले, जल्दी निकाल खाओ। इसमें अब चना खाया जा रहा है, ऐसे चना फल फायदा तो नहीं खाएंगे, ये देखो एक एक दाना चना खाया जा रहा है। भाई आशीर्वाद देती हैं तो इसलिए इनकी खातिर बातिर होती है, इनको खातिर बातिर किया जाता है। अब जितने यह है ना, इस घर्षण से यही तरंगे निकलती हैं, काम करो सेवा करो और फिर सेवा करो, यही तरंग है, यही आशीर्वाद है। घंटी घंटा में आशीर्वाद नहीं होगा, वरना घंटा घंटी घंटा बेचने वाले ना वो भगवान उनके घर में नाचते आके, कुछ नहीं मिलेगा। घंटी बजाते हैं, सेवा पान करो फिर जाके घंटी बजाओ, कीर्तन गाओ भजन गाओ, पहले सेवा तो करो। हैं भगवान को कीर्तन भजन पसंद थोड़े है, वो कहते हैं तुमने हमको काम के लिए भेजा है, हैं बकरे काटे जा रहे हैं, बच्चों को काटा जा रहा है, देव देव तुम देव उठा लो कस के, हाँ रोक लिया अच्छा किया। और उसको यह लहबर स्वामी डरवा रहे थे, लहबर स्वामी वहां तक गया, देखो आओ कहा, अरे राम राम ले 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 भैया तुम ले ले, ले सुखर हट बे हट ले ले उठा उठा जल्दी, हाँ भाग जाओ तुम यहाँ बीच में कहाँ गए लहबर स्वामी, थारा इंसा हटो 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 लहबर स्वामी खाओ। ढेला देख के बंदर भाग जाते हैं, खाओ भैया बड़ा टाइम लगा रही हो, तुम्हारे बच्चे बच्चे ऊपर चले गए, अब ऊपर चपके बैठे हैं, उधर से वो बड़ा वाला देखो है, या 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 पूरे पेड़ के हिलाए जा रहे, ये देखो या उनके नकल में भी हिला रहे हैं, यह लोगों के लिए लग रहा है जैसे कोई सीढ़ी लगी हो, यह देखो उतर रहा है नीचे, यह देखो देखो कितनी तेजी से, यह वहीं से कूद पड़ा वहाँ पर, जंपिंग तो देखो इन लोगों की। अरे राम हो, ओ मैं घृण हनमते राम दुताए नमः, सेवा करो सेवा से बड़ी, संसार में कोई कुछ नहीं है, सेवा तत्काल अपना काम करती है, कोई संकट आवे मुसीबत आवे कोई भी तुम सेवा में लग जाओ, चींटी है चींटा है चिड़िया है इनको खिलाना शुरू करो, रोज खिलाओ, बड़े बड़े संकटों से बच जाओगे,
यानी कि बस पैसे आप बताइए बाबा जी, भोज कराना है या लो खाओ, और हमारा भोज नाम से करवा दीजिएगा। बाबा जी किसका किसका काम कराएंगे? बाबा जी तो रास्ता बता रहे हैं, इनका बेटा है ये, एक मुंह में दाबे एक हाथ में लिया, देखो देखो नीचे गिरा था झपट्टा, देखे चला गया, लो खाओ भाई, कुकु कुकु न लगाओ, लो उठाओ उठाओ जल्दी। चार घंटा सोच रहा है, उसमें बड़ा वाला कुर्र से बोल देगा तो भाग जाएंगे ये। आओ स्वामी जी, जिनके खोपड़ी के बाल हट गई है, इसलिए इसको डरते हैं ना ये सब, ये सब बड़ी दुष्टता होती हैं। ओम सिंह हनुमते राम दुताय नमः, इससे बैटरी चार्ज होता है, उसको ना डर बाबू। ओम सिंह हनुमते राम दुताय नमः, अरे पत्थर और कागज के हनुमान जी से ये तो साकार हैं, इनके शरीर को हम स्पर्श कर रहे हैं, हैं हाथों में घर्षण हो रहा। ओम सिंह हनुमते राम दुताय नमः, ओम सिंह हनुमते राम दुताय नमः। देव बालाजी प्रेम होना चाहिए, प्रेम करो इनसे, देव खाओ उठा दो। तुम कहाँ गए भूरे स्वामी? ये उग्रवदिया है, ये वो लहबर स्वामी है, ये देव ये खा ले, दे लहबर ए ये खा ले, उठा देखो जो उसका कतरन पड़ा था, देखो खा रहा, देखा देखो प्यास लग रही जोर से, जल्दी खाओ भाई, तुम लोग बड़े नखड़े होते हैं, यह देखो अब पोस्टमार्टम किया जा रहा है, यह देखो कुचुर 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 डाल रही हैं, अंदर का गुदा गुदा खा रही हैं और ऊपर का नहीं खाया जा रहा, देखो इसको खा दिया, खाओ लो भैया, तुम भी ले लो कतरन इनका, लो ये कतरन ले, ले उठा ले, पड़ा है उचित से, देखो आ नहीं रही कि उठा ले, एक और फेंके तब आएगी, ले उठा दे, चल हिम्मत नहीं पड़ रही है, देखो ऊपर से आ गया ये कतरन, वो पड़ा है ये उठा पेड़ में लगा, ये कहाँ बालाजी, अरे लाम लाम दे दो, ले खाओ भाई, बालाजी बालाजी लो लो तुम भी ले लो, तुमको कतरन देंगे, लो तुम कतरन खाओ, लो वो रोटी पड़ी है बेकूफ, वो कांटा खाया जा रहा है, रोटी पड़ी है देखो, देखो छांट छांट खा रही है, दे ए ये फेंका उठा दे, अभी नहीं आ रही है, आओ ये उठा दे आके, लो भैया स्वामी जी तुम्हारे पास आ रहा है तुम्हारे भाग्य से, देव दे स्वामी ये, अरे इधर दे ले 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 ले, दौड़ 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 दौड़, या देखो हमारे धमक में नहीं उठा दिया, नहीं उठाया, हाँ दे गया, स्वामी जी बड़े चालाक निकले, कहा भैया लो इनका जो फेंका यही खा लो, लो लो इनका फेंका खा लो सब, ले इसके पेट में बच्चा है, इसको थोड़ा फल की जरूरत है ना, ये बच्चा देने वाली है, दे शकुंतला ए दे, हाँ खा ले, अरे दे 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 दे, आई छे तुमका हम ढेला दे दी, हम तुमका बताई थे, आओ आओ भैया लहबर स्वामी, ए पड़ गया पड़ गया पड़ गया पड़ गया, अघाई भर के पाएंगे पड़ गया, आओ पड़ गया वही पेटे में पड़ा, अब खाओ खाइयो कम रख, ऐसा निशाना साथ के मारा उनको, देखो और पड़ा जा उठा ले, ऐसा कौन सा उठा ले जाके, जा ले दो खा लो, इनका बेटा है ये, अपना अधिकार समझते हैं, इनको कोई भय नहीं, उसको भय लग रहा आने में, क्योंकि ये नहीं आ रहा है कि ये जुटता है ना, ये दुलारा उसको भगा देगी, देव स्वामी जी कहाँ भाग रहे हो, कमरे को उठा ला यार, अरे स्वामी जी ये देव दे ए ये फेंका जा, उठा उठा जल्दी, हाँ उठा ले, हाँ अरे बेकूफ कमरक भी पड़ा है रे हुआ, ए शकुंतला देव, उस चंडाल ने उसको भगा दिया था, हटो हटो गुस्सा मत करो, माँ झिलकी झिलकी दे रही हैं, लाओ इसको हैं खुद भी नहीं खाना, दे शकुंतला ए ये उठा दे, घास पर डाल दिया, देखा ओ मैं सिंह हनुमते राम दुताय नमः, दे दे खा दे खा, ओ मैं सिंह हनुमते राम दुताय नमः, अरे लड़का वही जो नहीं कूलर में घास भरने वाले होते हैं इसी गुंताड़े में खड़ा है, फल के दिन में आप लोग यहाँ फल लेके जब रख के जाते हैं, लोग जहाँ हटे वहाँ ये बंदर को ढेला मारेगा, सबको भगाएगा, ए तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ अपने हुआ जाओ बताइए,
जाओ, हम लोग जहाँ जाए थे तुम लोग इनका ढेला मारे लगत, जाओ खड़े गुंतारे में कुछ नहीं, एक खुराफात ढेला मारेंगे। और इसी में इनको ये दौड़ाते हैं इनको सब, देखो वहाँ आड़ में खड़ा हो गया, और देखो दूसरा भाई आया, अब महीने दो महीने मरेंगे यहीं पर। कहा अच्छा ये स्वामी जी तुम्हारे बेटे हैं क्या ये? ले स्वामी जी, ए स्वामी ये ले, ले उठा 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 जल्दी उठा ले, क्या देखो इसने उठा दिया, रह गए तुम तो 3 घंटा सोच रहे हो। ले स्वामी, भाग गया सब, वहाँ भाग गए। और टाइम लगता है, जल्दी करो। ओम एक सिंह हनुमते रामदूताय नमः। अब देखिए बद्रीनाथ जी ने बद्रीनारायण भद्र उड़ीसा से कटक के पास के बुलाया है। अब समय नहीं, एक आदमी बड़ा इतनी दूर की यात्रा में 3-4 दिन लग जाते हैं, बड़ी दुर्गति होती है ना, कहीं खाते पीते बाहर कुछ है नहीं, बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन देखो विनोद सिंह से कहेंगे, उनका तो कारोबार है वहीं, एक बार चलो भैया, चलो लौट के चाह जाओ, और कहेंगे भैया आप संपर्क रखो, हम आपके लिए भी मांग करेंगे, सरकार में मांग करेंगे कि आप लोगों को सुविधा दी जाए, आप लोग काम करें, कोई भी अस्पताल भी खोल रहे हैं बेचारे, परोपकार का काम करो भाई। ले कहा ले 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 ले, अब ये सब कचर कुचर डाल दे, कस के रोटी खाओ, पेट में एकदम बच्चा इसका। ले स्वामी जी तू भी उठा ले, मैंने ये अपने बच्चे के हाथ से छीन के खा जाते हैं सब। ले ले क्या नाम ये सुरमेदानी, इसकी आंखें बनी हैं, क्या नाम है इसका? सुरमेदानी। ले सुरमेदानी ले, उठा ले उठा ले। स्वामी जी आज सब आ नहीं रहे। अच्छा ऊपर आदमी रख गया है ना एक लाइन से, उबला हुआ गेहूं क्या पूछना, अरे आदमी खाता है भर पेट, और कसकस के डाला गया है। अभी लोग थोड़े थोड़ा खाते हैं, थोड़ी देर में फिर इनको भूख लगेगी। किसी बंदर का पेट निकला हुआ देख रहे हैं, सबका पेट अंदर है, ये ज़्यादा खाते नहीं। हमारी आदत क्या है कि हम ज़्यादा ना मिले तो हमारे प्राण निकल जाए, इसीलिए हमारे पेट निकल आए, हम थोड़ा खा ही नहीं सकते। लोग कहेंगे थोड़ा खा, हम क्या भैया कुत्ते हैं क्या हम, जो एक टुकड़ा खा के सब्र करेंगे, इसलिए हमारा पेट निकला हुआ, क्या करें। सबका नेचर अलग अलग होता है ना, हम थोड़ा खा ही नहीं सकते, खाएंगे कस के खाएंगे। कितनी देर से देखो अकेले सब कुतर 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 सब डाला जा रहा है, बीच बीच का गूदा खाया जा रहा है, देखो बीच में चना है, सब स्वाद दे दे के खा रही, देखो आराम से बैठी है एकदम, जानती है ना कि हमारी कितनी खातिर होती है। ये होली वाला रंग रखा है, कल दिया में थोड़ी हाथ में लेके ऐसे ऐसे लगा दें, हैं ऐसे ऐसे लगा दें, और थोड़ा पानी हो तो पानी पाल के ऐसे ऐसे लगा दें यहाँ यहाँ पर, दूर से पहचान में ऐसे ऐसे लगावें किनारे से, यहाँ से लगावें चेहरे पर से, है ना, यूँ लगावें ऐसे लगा दें, खाओ। ओम को बताओ, कोई बंदा सहलाने देगा, कोई पालतू होगा वही सहलाने देगा। ओम सिंह हनुमते रामदेवता, ये इतना हम सहला रहे हैं और इनका जुआ ऐसे ऐसे हम बिन रहे हैं ऐसे ऐसे, लेकिन इनको हम पकड़ नहीं सकते। या देखा देखा, खाली ऐसे जरा दाबा तो हाथ हम हाथ चला, या देखो या देखो या देखो या देखो, अभी अभी हाथ चलाइए, या देखो इतना बर्दाश्त कर लिया इसने। अरे अपनी या देखो देखो या खाली जोर से पकड़ लिया बस, आओ इसी दिन जब साथ वाले हों तो हमारे ऊपर हमला कर दें। देखो सब पूरा कुतर कुतर के डाल दिया, झिल्ली को तो ले चलेंगे इसी में, कल फिर कमरा खा जाएगा ना, झिल्ली फेंकेंगे नहीं हम। कहाँ अभी भुवन सिंह नहीं आए, अरे नाम हो
कतर कुतर कुतर अंदर का गूदा गूदा खाया, ऊपर का छोड़ दिया। देव ये खाओ उठाओ, उसको नहीं खाएंगे ना, पेट भर चुका है। पेट पेट कहाँ, देव खाओ। सब बातें छोटे वाले आएंगे, सब खाएंगे यहीं बिन करके, एक की भी रोटी की किनकी नहीं बच पाएगी। एक काला झोला कहीं गायब ही हो गया। मोटा झोला था, हम उठ के खड़े हुए तो लौंडा भागा, कहाँ है हमको आशीर्वाद दे दो भैया, हमको आशीर्वाद दे दो भैया, मार गुस्सा करके यहाँ भाग आई थी। दो ये रोटी उठाओ, ये दो खाओ, दो नहीं खाएगी, आशीर्वाद दे दो भाई, आशीर्वाद दे दो भैया। यही रोटी हमने फेंका था, वो बंदरिया ने शायद नहीं उठाया था यहाँ, है ना, रोटी इसी में टंगी हुई थी कहीं पर, उठा लिया था शायद, ले लिया। चले फैले फैले हैं आज, देखो हम हट गया, शकुंतला आ गई, जिसका कतनन पड़ा था वो एक एक बिन बिन खा रही, और ऊपर कस के गेहूँ रख दिया गया है। अरे उबला हुआ गेहूँ आदमी खाता है भाई, सब खा रहे हैं आराम से, देखो भर पेट खा रहे हैं। लो तो मऊ रोटी ले दो, कहा वो मांग रहा है, इसको देंगे पहले। देव ए देव या कैसा कैसिंग पावर है लोगों का, एक सेकंड में दे दिया। देव दे दे ये दे, ये भगा 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 ले, ए ये उठा ले उठा ले, दौड़ 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 दौड़, शाबाश शाबाश। ए बिलमुंडी कहाँ है, भगा रही का किसी में, सब छोटे छोटे बालाजी लोग उसे खा रहे हैं, नन्हे नन्हे बालाजी लोग खा रहे हैं। कहा बालाजी हमको नहीं मिला, ये बाघिन यहाँ के बैठी है उदास, अब तुम भाग गए, कहाँ कहाँ ले 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 उठा ले उठा जल्दी, हाँ शाबाश शाबाश भाग जा। दो बालाजी और आ रहा है, तुम लोग दो दो भागो मत यार, हम जब देने जा रहे हैं तो भाग रहे हो, भगदड़ मचाए हो तुम लोग। ये उठा ले उठा जल्दी, हाँ ले ले, ये बेलमुंडी आ गई, देखो यार मारे डर के छोड़ के भागा, देखा ये महादुष्ट बंदरिया है, ये देखिए अंदर घुसी गुफा के अंदर ये। अरे लो भैया ले उठाओ खाओ, दौड़ जाओ दौड़ जाओ, देखो नीचे सब सब बड़े बैठे हैं, ये सब आँड में बैठे हैं, लो बाले जी लो खाओ, लो अब भागे जा हम देने जा रहे हो तो भाग रहे हो, लो कहाँ भाग के गया, अरे वहाँ बैठो तुमको हम तुमको देंगे, दौड़ा देंगे सब, ये देखो दौड़ा दिया सब। कैसे दे इनको हम, पांच बोतल न कहीं पड़ा हो, उठा के उनका पटका हम, आओ हट आओ तुम, आओ 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 आओ, ले ले बालाजी उठा ले ले उठा ले उठा, ये देखो देखा ये देखो ये उठा ले, आई थे आई थे आई थे आई थे, उठावा धाम आओ 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 इधर आओ, छोटे बच्चे को काट रही हो, छोटा अब झेला मिला, आओ देखो कहियो आओ 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 आओ, ए आओ देखो भागी भागी, देखो भाग गई, देखो झेला देख के ले बाहर से देखो तो गुफा, अंदर देखो गुफा में कितनी जगह बनी है, ए ये लो खाओ लो खा लो तुम भी लो, अरे भाग मत ले, अब भगा भगा देखो हम देने जा रहे हैं तुम भागे जा रहे हो, मुंह सूखा, ये देखो बड़े वाले को मालूम हो गया, तो तुम यहाँ कहाँ है भाई,
हट दे यार, आंख में ना हमारे डाल लग जाए। ले चले ले ए, ले ए, उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले उठा ले। बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि बच्चों को खिलाने के लिए। देखा कोई झुक रहा है कहीं, देखो कहीं आंखों में ना जाली लग जाए। जब देने चलो सबसे भाग जाते हैं। दो बाला जी आ रहा है करीब, ले ए बाला ले। अब वहाँ देख रहा है, ले उठा ले, ले देखो उसने उठा लिया। देखा अब तुम बैठे रह गए, ले आगे आओ। ये देखो उसको उसको खाए, इसका हिस्सा भी दिया और उसको डरवा भी रहा है। ले भैया खाओ उठाओ आओ। ये चले आ रहे हैं, भागे हाँ भाग जाओ भाग जाओ। भैया पैर रखे एक जगह नहीं है, जब पकड़ो भाग गया। देखो ले हट ले ले ले, ले उठा 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 जल्दी। हाँ उठा, कूद 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 जल्दी से। अभी सोच रहा है, देखो उसको डरवा रहा है। ले आओ ले ले आओ ले ले, उतर के आओ, इतना हम रोके हैं, आके उठा ले आओ उठा ले जा। हम यहाँ तक आ गए गुफा में, बोटी ढेर के ढेर डाला, उठाया कि नहीं बेकूफ। अब दे दो हाथ से दे दो, वो टिट्टी हमने रोटी फेंका है ले। तो वहाँ से नहीं ले रहा, मरो यही नीचे दो जगह रोटी पड़ी हुई है कहीं पर। ये फेंका है देखो, देखा एक ये फेंका, ये तीन तीन जगहों पर रोटी है। अब भाग गया बेकूफ। लो भैया कहाँ, एक एक कदम रखना है, कांच बोतल पड़ा है, लग जा पैर में तब क्या होगा। देव खाओ देव, उठा ले जल्दी ले ले सब, पूरा मुठ्ठा मुठ्ठा ले ले। थोड़े लेके भागा, वो भी गया वो भी, हाँ मुँह से गिर गया। देव दो बाला जी दो, अब देंगे ये उठा ले ले। अच्छा ये कमजोर वाली है शायद, इसलिए हमारे डर के नहीं उठा रही है, वही बीमार वाली बंदरिया है। इसको देंगे तो हमारे डर के उठाएगी नहीं। तुम लोग हटो, हम बताओ मैं हटो, ले ये उठा ले ले उठा ले उठा ले उठा ले जल्दी। अभी नहीं उठाया हमारे डर के, ना मरो आके पास में। ये ले उठा ले, या देखा फिर उठा लिया मारे, ये ले उठा ले जल्दी। देखो उसको उसको देख रही है, देखो उसने घुड़क दिया और उसको हिम्मत नहीं कि उठा ले। देखा कितनी कोशिश करने के बाद इसको हम रोगी को नहीं दे पा रहे हैं। ले ए ये ले, ये देखा ले देखो वो छोटा वाला छीन लेगा। ले ए ए ले ये उठा, ये देखो हटो, देखो देखा हिम्मत नहीं पड़ी को उठा ले और रोटी पड़ी रह गई। देखा मारे डर के नहीं उठा रहे कि इसको को उसको मालूम है। या देखो ये आ गया चौधरी का बच्चा, कोई यहाँ ढेला भी तो कहियो रोटी आओ आओ आओ। अभी तक उसको नहीं मिला। अब अरे कहाँ हुआ, यहाँ आओ करीब। भूखे मर रही है एकदम। अब देखो कैसा चौधरा आ गया, इसको इसको देंगे तो वो दौड़ा लेगी। वो अभी जहाँ कुर से बोला ए ले उठा ले, ले उठा जल्दी। हाँ उठा लिया इसने, चलो मैदान के बाहर चले, हो सकता है निकल आवे। ये गुफा के अंदर है, ये गुफा से बाहर, ये गुफा से बाहर आ गए। यहाँ से देखो तो पूरा गुफा है एकदम, है ना पूरा बंद गुफा।
उस रोगी को हम इतना चाह रहे थे कि दे दें बंदरिया को खा दे, लेकिन ना पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सामने रोटी फेंको तो नहीं उठाती हमारे डर के, कहीं छिप गई। जाओ भैया मरो, अब क्या बताने हो, क्या करें हम। दो दे, बुलाया जा रहा। अभी तक भुवन सिंह नहीं आए भगवान। कहाँ कहाँ, इसको हम पहले भगावें। आओ तुम कहाँ भगाई आओ, हाँ भाई देखा देखो उसको भगाया। हट चल, छोटा बच्चा आवाज़ दे रहा हमको, दे उठा दे, जहाँ तुमको फेंके तहाँ तुम भाग गए। वो देखो जल्दी रोटी खत्म करें हम, खाओ अपना, मुँह में दाबे हैं। हाँ देव देव ले लो, कस के खाओ देव। हाँ देव, चलो जय हो। आज क्या अंगूर है? अच्छा, अरे थोड़े से ही चार दाने, अभी दो लाइन से सबका पेट भर चुका है। अब इनको जायका की जरूरत है, लाओ थोड़ा जायका इनको दे दे। आओ बाबा जी, आओ भैया, हाँ हाँ खड़क दिया है। नहीं कोई बात नहीं, आओ बालाजी आओ ले। अरे अंगूर खाओ भैया, बालाजी अंगूर, तुम हटो जी, तुम हटो जी, बालाजी खाओ जी, तुम बालाजी दो, बालाजी खाओ, तुम खाओ, तुम हटो जी, हटो, दो दो बालाजी, तुम खाओ, दो बालाजी और खाओ, दो खाओ, ले ले उठा ले, दे बालाजी देव खाओ, देव खाओ यार, डर रहे हो, रुको रुको रुको, ए बड़े जी हटो नहीं, धरा है किंका, दो बड़े जी आओ खाओ, यह रोगी बंदरिया को जो है तुम हटो, हम दिया ये खाद करके दो, पहले बच्चों को देना चाहिए कस के। ए रोगी बंदरिया, ए ले ले रोगी ले खा, ए ले 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 रोगी खा ले खा ले खा ले खा ले, एक तो मिला इसको, हटो तो दिया ये खाद करके, हट उठा तो पटका हम जो खाओ खाओ ले खाओ ले खाओ खा ले खाओ खाओ, ये भुवन सिंह का अंगूर है, खाओ, रोल लेके आते हैं, देखो खाओ। देखे अब दुलारी आ गई, देखा ये देखो, अभी तक तो नखड़ा दिखा रही, पेट भर चुका है, लेकिन अब पेट भरने पर अब फल का जायका मिल जाए तो कहने क्या है। दे उठाओ दे, आज भैया बद्री नारायण का उड़ीसा से फोन आया, एक घंटे बात किए, कहे नहीं गुरु जी जो कुछ मैंने किया है वो आपसे सीख के किया है। हाँ बद्री नारायण भद्र, कहे ना आपसे सीख के किया है, तमाम बड़ा एनजीओ उनका बन गया है। बद्री नारायण जो बंदरों का डालते हैं। हाँ हाँ, एक औरत जो है लेडीज, कहे ना आपकी हमारी वाइफ ने आपको वीडियो पर देखा था, और तब से देख के कहीं ऐसा मौका नहीं मिला कि हम आपसे संपर्क करें, तो हम लोगों ने आपसे ही सीख के किया है। हिंदी में बोलना आता है उनको? हाँ हाँ। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप जो है, अरे उनको बुलाइए कभी बाबा जी। अरे अब बुलाइए, हम ही को बुला रहे हैं, एक साथ चलो हमारे साथ। अच्छा। हाँ कहना आइए कटक, आइए कटक, हम और आप साथ में चलेंगे। हाँ बिल्कुल। तो कहना आप आइए एक बार, चरण आपका पड़ जाए। वो अस्पताल बना रहे हैं जानवरों के लिए, और बड़ा उनको सहायता मिल रहा है, 1 करोड़ की 1.5 करोड़ उनके फॉलोअर्स हो चुके हैं। अब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार उनकी बड़ी मदद करती है। और एक हमारे यहाँ देखो क्या हो रहा है, ले हमारे यहाँ देखो क्या हो रहा है, आपसे सीख करके। हाँ भाई, हमने कहा लिख के भेजो, वीडियो बना ले भेजो, वीडियो को भेजो, ले खाओ। देखो एक बंदर उठा रहा है, हमारे डर के नहीं उठा रही है, हटो तुम लोग, हट दे दे उठा ले, ले उठा ले उठा खा, मारे डर के नहीं उठाती है, इसलिए तुम हटो इसके बगल से खाओ। हमने कहा देखो भाई, दिल्ली में 2.5 लाख का महीना लगभग सुमन माँ खर्चा कर रही जानवर के ऊपर, तो श्याम साधु तो देश विदेश छा गया है ना, लेकिन यहाँ की सरकार ने नहीं पहचाना। नहीं 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 नहीं, कहीं उनका अपमान न हो जाए,
अरे हमको क्या कर लेना देना है बाबा जी, आप बिल्कुल बिल्कुल देव देव खाओ। देखो हमारे डर के बंदरिया है, इसको खाने दो भाई, तुम हटो ले ले, रोगी एकदम मरने वाली है। अरे जल्दी पूरा मुंह अंगूर डाबो मुंह में भर ले, ले उठा खा ले, हाँ उठा खा खा जल्दी जल्दी खाओ, तुमको देंगे जाओ, तुम मुँह उठाओ जाके हटो, एक और खाओ ये लो खाओ, और ले उठाओ उठा ले उठा ले, हाँ देखा देखा उसके हिम्मत नहीं पड़ रही हमारे डर के कि वो खा ले। इसको हाथों से अगर दें तो ज़्यादा काम बने, तब इसकी हिम्मत पड़ेगी खाने के लिए। लो खाओ ले लो खाओ लो लो खाओ लो खाओ। अरे भागी जा रही, लो ऐसा फेंक दिया, उठाओ जल्दी जल्दी। अरे अरे महात्मा जी आए, देव लो भैया महात्मा जी ब्यूटी पार्लर लो लो खाओ खाओ। देखो एक ही दिया और बाकी सब भाग गए। अब ये तुम कहा चौधर आ गए, तुमका हम उठा के हटो, बच्चों के बीच में अलाउ नहीं है, तुमको बच्चों के बीच में आ जाओ। लो बाला जी आओ खाओ, एक घंटे हमारी बातचीत हुई है। कल एक लोग आए उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया, उनको जब हमने बताया बाबा जी के बारे में, अरे उनके बारे में तमाम लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं हमको, कहीं ना महाबेकूफ आदमी आया था, वो उपाध्याय बड़ा दिमागी है, कहीं जो सवाल करना था वो तो आपसे किए नहीं। अरे उत्तम उपाध्याय यार जो कमेंट में आते हैं, उन्होंने बड़ा दिमागी आदमी है। नहीं नहीं वो हम उनसे बात किए ना तब हम समझ गए। हाँ उनके जब उनसे हमने बातचीत किया ना, हाँ हाँ काफी देर तक देखिए हम बहस कर रहे थे। हाँ तो उन्होंने जब कहा कि आप बाबा जी, हमने जब उनसे बात की है कि बाबा जी को पद्मश्री मिलना चाहिए, आप अपने वीडियो में इस चीज का एक बार वो करिए, मतलब इस बात को रखिए क्योंकि आपका वीडियो लोग देखेंगे तो सरकार तक बात पहुंचेगी कि पद्मश्री मिलना चाहिए। तो उन्होंने हमसे जनता क्या सवाल किया, बोला किस चीज के लिए ये इस तरह से। तो हमने कहा आप इंटरव्यू लेने आए हो, कुछ रिसर्च करके नहीं आया भाई, आप पूछ रहे किस चीज के लिए। हमने कहा पशु सेवा के लिए। तो कहने लगे इस तरह से बहुत पशु सेवी है। उनसे उनके सुनो चूंकि नहीं दरवाजे थे, नहीं नहीं पुराने जूते ला के और पानी में भिगो के और उनको पांच जूता मारा जाता कि बहुत से नहीं है, तुम खाली उसका जोड़ा दिखाओ बात खत्म। आज मालूम है आज जो अखबार की कटिंग फेसबुक में डाली गई है उसको मौका निकाल के जरा चश्मा लगा के देख लेना। वही मैंने कहा कि आप ये बताइए इस तरह तो बहुत से लोग खेल खेलते हैं लेकिन खेल रत्न किसी विरले को ही मिलता है। हाँ तो वैसे ही ये पशु सेवी ऐसे है। अरे ऐसे ऐसे बेवकूफों से तो बात नहीं करना चाहिए, और वो भी वो आपका वीडियो काट के हम मिला लेंगे उसमें डाल लेंगे, ये देखो ये ब्यूटी महात्मा जी है उसको डाल लेंगे, तो ये क्या है जब अरे हमारे अच्छे फॉलोअर, अरे वो लोग उठपटांग लिखोगे उनके कितने फॉलोअर्स हो जाते हैं कि स्वर्ग का रास्ता ये जाता है, 3 लाख उसमें बेकूफ फंस गए, ये हिंदुस्तान है। एक जाहिल औरत ने एक आदमी के खोपड़ी बगल में चपका दिया, यों कहीं ये 3 जन्मों का हाल बता देती है, नीचे झाँक के देखो 5 लाख फंस गए। तब मिर्जा गालिब ने बड़ी ऊंची बात कही थी। लो लो खाओ महात्मा जी का, दीजिए दीजिए, ये बहुत बड़े चाव से खाते हैं। हाँ हाँ लो लो खाओ, ऐसा मुंह में भरते हैं कि लगता है जैसे वो जल्दी से भर लेते हैं। ये देखो ये मांग रहे हैं, ए भैया तुम लो खाओ खा लो खाओ खाओ जल्दी जल्दी, एकदम बीमार है, आधे कल की मेहमान है ये। नहीं बाबा अभी रुकेंगे, आप इनको 2-3 साल से बोल रहे हैं इस तरह कौन, अरे बहुत लबे जान है ये, ले उठा दे। अब अकेले छांट छांट के सारे छाट तो छिलका छिलका उगला जा रहा है, उसको खाया जा रहा है। खाओ ले भैया, बालाजी खाओ भैया खाओ, तुम लोग धूल में बैठते हो जाके, ले भैया खाओ। अंगूर में ये होता है कि दूर अगर छीट दो तो सबको मिलता है, इसीलिए हम ले लेते हैं। हाँ सबको मिल जाता है। हाँ अब रोटी तुम खा चुको, अंगूर खाओ। अब एक काम करो, अब आप इसको बांटिए, हम चले घंटों से हम परेश कहाँ, ले 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 लो खाओ, हमारे लो साधु जी लो खाओ, अपने पूरे अपने कार्यों से, अपने जीवन के कार्यों से लोगों को अचंभित किया,
और हमारे यहाँ की रैली में इस समय MLC साहब, जिनका नाम है दिनेश प्रताप सिंह, जो कि राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त हैं, तो उनको चाहिए कि हमारे बाबा जी के बात को आगे बढ़ाएं, सरकार में इनकी बातों को आगे रखा जाए। जब हमारे हमारे आसपास में ऐसे महात्मा लोग उपस्थित हैं जिनकी बातों को विश्व के लोग सुन रहे हैं और जिन्हें विश्व गुरु का दर्जा मिलना चाहिए, तो ऐसे लोगों की अनदेखी हम क्यों करें? अगर हम ऐसे लोगों की अनदेखी कर रहे हैं तो एक तरह से हम हिंदू धर्म की अनदेखी कर रहे हैं, और अगर हम हिंदुस्तान में हैं और ऐसे हिंदू बाबाओं की अनदेखी हम करेंगे और हिंदुत्व की हम अनदेखी करेंगे, तो आने वाला समय और आने वाले जो आने वाली पीढ़ी है वो सनातन धर्म से अछूती रह जाएगी। जो सत्य सनातन धर्म है, जिसकी क्या सच्चाई है, उस सच्चाई से आप दूर रह जाएंगे और आपका हिंदुत्व एक आडंबर मात्र रह जाएगा। बस लोग आपसे सवाल पे सवाल पूछेंगे कि इसमें कुछ साइंटिफिक हमको बताइए, वैज्ञानिक तर्क आपसे पूछेंगे और आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगे, आप अपने हिंदुत्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लोग सिर्फ आपको आडंबरी और एक ऐसे धर्म को मानने वाला बताएंगे जिसके अंदर किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक सत्यता नहीं मिलेगी उनको। तो इसलिए जब एक इंसान आपको बता रहा है कि इस धर्म के पीछे की सच्चाई क्या है, कैसे ये धर्म काम करता है, तो उस सच्चाई को हमको आपको सबको ध्यान देना चाहिए, क्यों बाबा जी? बिल्कुल, मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल भाई, आपने बताया कि हिंदुत्व के ये कोई आडंबर नहीं है। आज पूजा पाठ जो आडंबर हो गया है, इस पूजा पाठ के पीछे की सच्चाई को आपने बताया कि नहीं बताया? बिल्कुल, कि सेवा परमो धर्म, सेवा परमो, गीता में लिखा है, गीता में पहले आप सेवा करिए, तब आपकी जो मूर्ति पूजा है वो सफल होगी, तभी होगी, तब मूर्ति में शक्ति आएगी। नहीं, आप सरदारों को ले, सेवा और सुमिरन, ये उनकी थ्योरी है, इसीलिए विश्व शिरोमणि पंजाब कहा गया। क्यों कहा गया? अब वही बता रहे हैं, तो सेवा, अब सेवा को ही अभी देखिए, सरदारों की जहाँ तक बात बाबा जी ने की, तो मैं पंजाब की ओर एक बार गया तो मैंने देखा कि ट्रेन में सरदार लोग भंडारा चलवा रहे थे, बताओ, प्रसादी बांट रहे थे। हाँ, हाँ। और यही चीज यहाँ पर राजा भैया के पिताजी कराते हैं, प्रतापगढ़ के ट्रेनों में वो प्रसाद बंटवाते हैं, गर्मियों में पानी बंटवाते हैं, तब जाकर के वो राजसी हाट बना करके रखा हुआ आज भी कायम है, और हिंदुत्व की रक्षा वो कर रहे हैं। हिंदुओं की रक्षा वो कर रहे हैं, किसी भी अन्य धर्म ले, जो लोग ले हिंदुओं को और हिंदुत्व को दबाने का प्रयास करते हैं, ऐसे राजा महाराजा उनको कुचल देते हैं, उनको उठने ही नहीं देते हैं। परंतु दिक्कत वाली बात यह है कि ऐसे राजा महाराजा जन्म कैसे लेते हैं? ऐसे राजा महाराजा जन्म लेते हैं जब हम वो कार्य करते हैं जो बाबा जी ने सबको बताया है। क्यों बाबा जी? आज का जो हमारे दोपहर में फेसबुक पर जो अखबार डाले गए हैं ना, और पूरे विश्व को हिला देगा, घर जाके देखिएगा। और जो खास अखबार थे 1986-82 उन वो खबरों को मैंने YouTube पर डाला है, पढ़ के बोला है। अब इसको और हम बोलना चाहेंगे कि जैसे उन्होंने कहा जब आपके इंटरव्यूअर ने, अरे उसका नाम मतलब यार, एक से एक जाहिल शायद क्या उसका नाम है मतलब, हाँ नहीं नहीं क्या फायदा, महा एक जाहिल एक महा जाहिल, पढ़ा लिखा जाहिल इंटरव्यू लेके घूम रहे बेकूफ कहीं के। अरे उसको जो कोई तमीजे नहीं है कोई बात करने की, क्या है क्या करना चाहिए, अब वही तो हंस तो रहे जो उपाध्याय जी, कहने आपने तो उसी समय उसको पटक दिया सामने। अब अच्छा उसको वो हटा देगा, जब हमने थप्पड़ मारा, हमने कहा कि जो ये तो अपने आप खा लेते हैं, हम कहा सारे पेड़ इस कमीने मनुष्यों ने इनका काट के फेंक दिया है, ये क्या खाएंगे, तुमको खाएंगे, अब उसको वो काट देगा, उसके वहाँ बेइज्जती हो गई ना। अब हमसे भी यही बात उन्होंने कही, हाँ कही कि ये पूरे विश्व में यही बात चल रही कि हमने इनके जंगल काट दिए, हाँ। लेकिन आप लोगों ने क्या जंगल लगाए या कुछ, हाँ। किया? तो हमने इसका जवाब दिया, हाँ। कि पर्यावरण मंत्रालय हमारे अंडर में तो है नहीं, हाँ। है ना, हाँ। हम एक इंसान होकर के, हाँ। जागृति फैलाने, इनको 20 जूता मार के पूछे, हाँ। कि 13 मंजिल में रहने वाला शहर के अंदर वो पेड़ कहाँ तो पिछौड़े लगाएगा,
कहाँ लगाएगा, कहाँ लगाएगा है? सही बात है, बेवकूफ आदमी। अब जब पेड़ नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम इनके भोजन की व्यवस्था तो कर सकते करो हैं। करोड़ों आदमी शहरों में रहता है, हैं? और बड़ी बहुमंजिले इमारत में एक कच्ची जमीन उसके पास इतनी नहीं होती है, वो पेड़ कहाँ लगाएगा है? अरे इन बेवकूफों की बातें करना बेकार है। जब पर्यावरण मंत्रालय बना हुआ है बिल्कुल, तो ये सरकार टैक्स ले रही है जनता से, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है बिल्कुल। और जनता आवाज उठा रही है कि पेड़ आप लगाइए, फिर भी अगर सरकार पेड़ नहीं लगा रही है, नहीं लगा रही, तो जनता सवाल करे, सवाल करे कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम वोट आपको नहीं देंगे, बात खत्म। फिर और ज्यादा लापरवाही करेंगे तो जनता अविश्वास का प्रस्ताव उठाएगी कि साहब इनको सरकार से हटा दिया जाए। तब हर चीज के लिए नियम कानून बना है। तो ये बात तो अच्छी हमको पता चली कि बद्री जी ने आपके पास फोन, एक घंटे तक बात हुई है और बड़े आतुर हैं कि आप बस फौरन कहें बस चले आइए, किसी भी तरह आने जाने का सब हम व्यवस्था आपके लिए कर देंगे। कहने आपके आप से ही हम लोगों ने सीखा, हमने कहा आप इसको व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, सब कहने आपसे सीखा हमने। हाँ नहीं भेज नहीं कहाँ है, उन्होंने भेज देंगे। हाँ हाँ उनके लाखों लाखों और बड़े बड़े मिनिस्टर उनको काम से प्रसन्न है, गोल्ड मेडल उनको मिला हुआ है। सब तो हमारा हमसे सीखने वाला गोल्ड मेडल पा रहा है और ये उल्लू का पट्टा गधा आया था, मुल्तान का गधा था ये, मुल्तान का गधा, इसका नाम रख दो मुल्तान का गधा। इन्होंने रिसर्च नहीं किया आपके ऊपर, दिक्कत ये है। बस ये बिना रिसर्च के आ गए, आ गए आपके एक दो वीडियो देखा। हाँ और चल करके बस 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 आ गए, बस बस खाओ। हटो 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 बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ तो बहुत बड़ी चीज बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं कोई, और फिर आप जानते हैं हमने कई बार कहा है हमको कोई सी सबसे बड़ा हमारी इच्छा है ना। अरे भैया आज का जो अखबार हमने डाला है आज वाला, उसको खाली पढ़ लो बस। नहीं ये हमारी इच्छा है ना, लोगों की इच्छा आपकी इच्छा नहीं है तो उसे छोड़ो ना। बिल्कुल भाई, अब जैसे सरकार में मोदी जी की इच्छा है किसको पद्मश्री देना है, हाँ तो वो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है, हमारी इच्छा है कि आपको मिलना चाहिए। हम भी तो इस देश के नागरिक है, अरे नहीं बोल सकते कि अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं कर सकते। गोल्ड मेडलिस्ट कह रहा है कि मैंने आपसे सीखा है, हमने कहा इसको लिख के व्हाट्सएप पर भेजो, हम अपने यूट्यूब पर डाल देंगे। तब सुमन माँ अब तक कम से कम 50 लाख रुपए खर्च किया होगा अब तक, 50 लाख। बिल्कुल आपकी बात। तब हाँ मैंने तो खिलाइए कहा भैया ये पानी आ रहा नहीं हाथ धोने के लिए। बाबा जी वो हौदे के लिए क्या किया जाए? अरे हौदे के लिए भैया कल आ जाओ, दिन में आ जाओगे तो काम हो जाएगा। उस हौदे को किसी भी तरह से, अरे रिक्शा ही था अपने ही यहाँ, लेकिन एक रिक्शा रखा नहीं, जिस दिन आपकी गाड़ी में कोई चलाने वाला हो। हाँ 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 अरे भले भले अच्छा याद दिलाया, कोई दिन नहीं, कल दोपहर में इस काम को हम कर लेंगे। वो गाड़ी चलाने वाला आया था दिन में। हाँ ठीक है, वही कर दिया जाए तो हाँ हो जाए, वहीं पर रखा दिया जाएगा। बस 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 बोल देंगे। नहीं वहाँ हमने कह भी दिया है। हाँ कहाँ हमने कहा रखवा दीजिए हम भरवा देंगे। अच्छा हाँ ठीक है, एक जो हमको फोन बाबा कर लेना। बिल्कुल अगर आपकी गाड़ी वाला आ जाता है हाँ हाँ हमको फोन कर लेना। ठीक ठीक हम खुद ही कर लेंगे। ठीक नहीं नहीं जब आएगा हम आपको फोन करेंगे। हाँ हाँ अभी अंगूर खाए हाथ चटचटा रहा है, अब जा रहे हैं हाथ धोने के लिए। चले भैया रोज का भोज हुआ, भुवन सिंह यही है, ये भी लाखों रुपए घर का लगा चुके अब तक। लो